This is Easy Understanding with Home Tuition. Hello children, this is English Alive course book 6. Today we will do chapter 3, that is a poem, Cypress Street. This poem is written by Todd Michael St. Pivey. He is an American author and storyteller. So let's start with its objectives. In this chapter we will read a poem, learn some items and practice rhyming word pairs, learn to conduct a survey and prepare a report. Reading. Cypress is an evergreen coniferous tree. So here we will come to know that Cypress is a name of evergreen coniferous tree that grows in northern temperate region. If a street were named Cypress tree, how would you imagine it looked like? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो साइप्रस है वो एक एवरग्रीन कॉनिफेरस ट्री का नाम है जो कि नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन में उगता है। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर किसी स्ट्रीट का नाम, मतलब कि किसी सड़क का नाम साइप्रस ट्री के नाम के ऊपर रखा है तो आप क्या इमेजिन करेंगे कि वो कैसी दिखेगी? जाहिर सी बात है, अगर किसी स्ट्रीट का नाम इस पेड़ के ऊपर रखा गया है तो उस स्ट्रीट पे, उस सड़क पे बहुत सारे साइप्रस के पेड़ होंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोयम। आई टुक अ स्ट्रोल डाउन साइप्रस ट्री, द हॉट साइडवॉक बेनिथ माई फीट। द वन थिंग दैट स्टूड आउट द मोस्ट, वेयर ट्रीज वंस स्टूड, देयर वर लैंप पोस्ट्स। आई हैड नेवर सीन सो मच कॉन्क्रीट, नो साइप्रस लेफ्ट ऑन साइप्रस स्ट्रीट। According to my great aunt Jem, there used to be a lot of them. They cut down, they took their wood. A treeless street is plumb no good, just like a treeless neighborhood. So tell the mayor next time they meet to change the name to Lamppost Street. Now I will start explanation. I took a stroll down Cypress Street, the hot sidewalk beneath my feet. तो यहाँ स्ट्रॉल का मतलब है वॉक इन स्लो रिलैक्स मैनर। तो यहाँ नरेटर कह रहे हैं कि उनने बहुत आराम से वो साइप्रस स्ट्रीट पे घूमते हुए निकले तो वहाँ के जो साइडवॉक्स थे, साइडवॉक्स मतलब पेवमेंट, अ काइंड ऑफ फुटपाथ, तो वो गदम थे, जिनके जिसके ऊपर वो चल रहे थे वो गदम थे। द वन थिंग दैट स्टूड आउट द मोस्ट वर ट्रीज वंस, वेयर ट्रीज वंस स्टूड, देयर वर लैंप पोस्ट। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ पे एक समय पे साइप्रस के पेड़ हुआ करते थे और आज वहाँ पे लैम्प पोस्ट हैं और वही बस दिखाई देते हैं और वहाँ पे अब पेड़ नहीं है, लैम्प पोस्ट है, इसीलिए साइडवॉक फुटपाथ है वो गदम है। आई हैड नेवर सीन सो मच कंक्रीट, नो साइप्रस लेफ्ट ऑन साइप्रस स्ट्रीट। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं, नरेटर यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने आज से पहले इतना कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब है अ सब्सटेंस यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग एंड पेवमेंट्स, बिल्डिंग मटीरियल, उन्होंने आज तक इतना नहीं देखा, इतना बिल्डिंग मटीरियल, इतना कंक्रीट कभी नहीं देखा। आज साइप्रस स्ट्रीट पे एक भी साइप्रस का पेड़ बचा ही नहीं है, सिर्फ कंक्रीट ही कंक्रीट है। अकॉर्डिंग टू माई ग्रेट आंट जेम, देयर यूज टू बी अ लॉट ऑफ देम। अब नरेटर को उनकी ग्रेट आंट का मतलब होता है ताई जी। यहाँ पे नरेटर को उनकी ताई जी जेम बताती हैं, जेम उनकी ताई जी का नाम है, वो बताती हैं कि एक समय पे वहाँ पे बहुत सारे हुआ करते थे साइप्रस ट्री, वहाँ पे एक समय पे बहुत सारे होते थे। दे कट देम डाउन, दे टुक देयर वुड, अ ट्रीलेस स्ट्रीट इज प्लम नो गुड। अब नरेटर यहाँ बता रहे हैं कि वहाँ के लोगों ने उन पेड़ों को काट दिया, उस पेड़ की लकड़ियाँ ले गए और अब वहाँ पे अब वो स्ट्रीट ट्रीलेस हो गई है, अब वहाँ पे पेड़ ही नहीं है और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जस्ट लाइक अ ट्रीलेस नेबरहुड, सो टेल द मेयर नेक्स्ट टाइम दे मीट टू चेंज द नेम टू लैम्पोस्ट स्ट्रीट। अब वो कह रहे हैं जैसे कि मेरा नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस, जैसा कि मेरा पड़ोस ट्रीलेस हो गया है, जहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है, जैसे कि वहाँ पे एक भी पेड़ है ही नहीं, तो जब अगली बार आपको मेयर मिले, मेयर क्या होता है हेड ऑफ टाउन, जब आपको अगली बार हेड ऑफ टाउन मिले तो उनसे कहिएगा कि इस स्ट्रीट का नाम, जिसका साइप्रस स्ट्रीट नाम है, उसको चेंज करके लैम्प पोस्ट स्ट्रीट कर दें। अब नरेटर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि
अब उनका जो नेबर है, जो स्ट्रीट है, वो व्हीलेस है, वहाँ पर कोई पेड़ ही नहीं है, बस वहाँ पर लैम्प पोस्ट है। इसीलिए नरेटर कह रहे हैं कि जब आपको अगली बार मेयर मिले, जो हेड ऑफ टाउन है, उनसे कहिएगा ये स्ट्रीट का नाम चेंज करके लैम्प पोस्ट स्ट्रीट रखते हैं। वर्ड मीनिंग: स्ट्रॉल, वॉक इन अ स्लो रिलैक्स्ड मैनर। साइड वॉक, अमेरिकन इंग्लिश फॉर पेवमेंट। कॉन्क्रीट, अ सब्सटेंस यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स एंड पेवमेंट्स। एक्सरसाइज ए, रीड दीज सेंटेंसेस विद आइटम्स। नंबर वन, ही सीज हिमसेल्फ गोइंग राइट टू द टॉप ऑफ द ट्री। हियर टॉप ऑफ द ट्री इज आइटम। सेकेंड, The doctor operated on him quickly and he was soon out of the woods. Here, out of the woods is item. Third, Mark takes very good care of his garden because he has green fingers. Here, green fingers is item. Fourth, I don't go by the big brands while shopping. Money doesn't grow on trees. Here, money doesn't grow on trees is item. 5. Most of these questions are from the unit that I didn't revise. And now I am up a tree. Here, I am up a tree is item. He was barking up the wrong tree, so the committee members did not pay any heed to his opinion. Here, barking up the wrong tree is item. Is B. Match the items with their meanings. Then use any two items in sentences of your own. Column A, items are given, and in column B, their meanings are given. 1. Up a tree. Answer is F. To be in difficult situation without escape. 2. Green fingers. Answer is A. To have garden skills. 3. Top of the tree. Answer is E. Hold the highest level of a profession. 4. Out of the woods. Answer is B. Out of danger or difficulties. 5. Barking up the wrong tree. Answer is D. Following a wrong line of thought. 6. Money doesn't grow on trees. Answer is C. Everything is not easily available. Exercise C. Complete the rhyming pairs from the poem and add two more rhyming words of your own. 1. Street. Rhyming words are beat, meet, cheat, feet. Feet is from the poem. 2. Most. Rhyming words are post, roast, ghost, host. 3. Gem. Rhyming words are them, men, stem, condemn. Here, them is from the poem. 4. Wood. Rhyming words are good, could, hood, stood. Here, good is from the poem. In class 6th, you will be asked to write the summary of the poem. Question will be like this. Write the summary of the poem Cypress Street. Summary. In this poem, the poet Todd Michael St. Pyre is talking about Cypress Street, which is named after Cypress Tree, an evergreen coniferous tree. The poet was walking down the pavement of Cypress Street and felt that it is very hot due to the sun heat. Here, lampposts have taken the place of cypress tree and place had been turned into a concrete jungle. Poet's great aunt Jem explained that all cypress trees have been cut down to make use of wood. The poet feels that a treeless street has no beauty. Therefore, it is better to change its name from Cypress Street to Lamppost Street. Question A. Read the lines from the poem and answer the questions. 1. I had never seen so much concrete. A. What is the poet talking about? Answer. The poet is worried about the negative effects of deforestation. B. Why was there so much concrete? There was so much concrete because of increase in demand for buildings. 2. There used to be a lot of them. A. What is referred to as a lot of them? Answer. A lot of them is referred to the cypress tree. B. What happened to them? Answer. They had been cut down. Exercise B. Answer these questions briefly. Question 1. What was the poet doing? Answer.
The poet was walking down the cypress street. Question 2. What had taken the place of the trees? Answer. Lamp post had taken the place of the trees. 3. What had happened to the trees? Answer. All the trees have been cut down for their wood. 4. What does the poet feel about a treeless street? Answer. The poet feels that a treeless street has no beauty. 5. What message does the poet want to convey to the mayor? The poet wants to convey the mayor to change the name of the street from Cypress Street to Lamppost Street. Exercise C. Think and answer the questions. Question 1. What message is the poet trying to convey to us through this poem? Answer. Through this poem, poet wants us to realize the need for the environment conservation. Question 2. Quote any two lines from the poem to show that the poet is disturbed by this turn of events. Answer. I had never seen so much concrete, no cypress left on Cypress Street. If you like the video, then like, share, comment, and don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you for watching this video.